गुड इवनिंग एवरी वन तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं किसकी मैथ की किस क्लास की नाइन्थ क्लास की ठीक है तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में मतलब नंबर सिस्टम के बारे में ये हमारा एक चैप्टर का नाम है इसके अंदर जो है बहुत से सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे उसको हम जानेंगे उससे पहले हम एक और चीज बच्चों यहाँ पर जान लेते हैं कि जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो मैं आपसे पोल सेक्शन में पूछूंगी तो पोल सेक्शन कहाँ होता है क्या होता है वो आपको मैं अभी जो हूँ फटाफट से बता देती हूँ बच्चों आपको अभी जो है नंबर वन वाली स्क्रीन अपने फोन पर नजर आ रही होगी ठीक है आपको जो है यहाँ पर नीचे तीन डॉट्स नजर आ रहे होंगे जब आप इन तीन डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के जो है कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे जो आपका पहला वाला ऑप्शन है और जो आपका लास्ट ऑप्शन है ये दो ही ऑप्शन आपके काम के हैं पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस इस पे क्लिक करके आप जो है जो भी क्लास में आप मैसेज करना चाहते हो आप कर सकते हो लेकिन क्लास से रिलेटेड ठीक है और एक्टिविटीज में जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा पोल सेक्शन तो कैसे वहां तक पहुंचना है चलिए देखते हैं है आप जैसी एक्टिविटीज पे बच्चों क्लिक करोगे तो आपको नजर आएगा वन पोल एक्टिव ठीक है वन पोल एक्टिव आपको नजर आएगा अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है फिर आपको जो है क्वेश्चन के चार ऑप्शन नजर आएंगे उसमें से आपको लगता है कि अगर आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो आप डी पे ऐसे क्लिक कीजिए फिर आपने जो है बच्चों वोट पर जरूर क्लिक करना है अगर आप ऑप्शन पर क्लिक करते हो वोट पर क्लिक करना भूल जाते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा तो ऐसे जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है अगर आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत आए पोल सेक्शन की तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं के बारे में और उन पर संक्रियाओं के बारे में ठीक है तो हम कौन सी संक्रिया पढ़ रहे थे हमने जो है जमा करना सीख लिया था कैसे जमा किया जाता है आज हम घटाव सीखेंगे तो जिन ब, जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे जिनकी आज पहली क्लास है बच्चों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या का जमा हो या घटाव हो दोनों को करने का तरीका जो है वो सेम ही होता है ठीक है तो आज हम जो है नया तरीका सीखेंगे इसे सॉल्व करने का तो पिछली बार जो है हमने एलसीएम वाले मेथड से सीखा था कि एलसीएम निकाल के जो है सॉल्व करेंगे किसी किसी बच्चे को एलसीएम निकालना नहीं आता या किसी किसी बच्चे को एलसीएम जो है निकालना पसंद नहीं है तो अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत है तो आप क्लास के एंड में जरूर रुके और मुझसे जो है एलसीएम निकालना सीखें तो आज हम जो है एक नया तरीका बच्चों सीखेंगे क्या करने का जोड़ने का या फिर घटाने का तो अभी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सब्ट्रेक्शन का है तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं देखिए हमें यहाँ पर कहा गया है कि तेरा बटा चार में से सात बटा तीन को जो है वो हमने माइनस करना है ठीक है तो कभी भी अगर आपको किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी भिन्न भिन्न मतलब भिन्न मतलब जिसको हम पी बटा की मतलब भिन्न भी ऐसे ही कुछ दिखते हैं ना इसी तरह के पर इनमें फर्क होता है जबकि परिमेय संख्या होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है है ना और पॉजिटिव भी हो सकती है ठीक है लेकिन जो आपके भिन्न होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं बस इतना सा फर्क है भिन्न में और परिमेय संख्याओं में तो चलिए देखते हैं हम जो हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा तो बच्चों चेक करना है कि क्या आपकी परिमेय संख्याओं के हर बराबर है ये आपने खुद से सवाल पूछना है कि क्या जो हर है वो बराबर है बताइए नहीं है वेरी गुड जो हमारे हर है वो बराबर नहीं है हर क्या होता है अगर किसी बच्चे को नहीं पता हर क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूं जो ऊपर होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम अंश और जो नीचे होता है उसे हम बोलते हैं हर ठीक है तो अंश यहाँ पर तेरह है और हर यहाँ पर चार है अगली संख्या देखी जाए तो अंश यहाँ पर सात है और हर यहां पर तीन है ठीक है तो ये होते हैं हमारे अंश और हर तो हमने जो है अंशों को नहीं देखना है अंशों से हमारा कोई लेना देना बच्चों यहाँ पर नहीं है हम सिर्फ हर देखेंगे पर जो हर है वो चार है यहां पर जो हर है वो तीन है ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि चार ना तो तीन के बराबर होता ना ही तीन जो है वो चार के बराबर होता है तो स्टेप नंबर वन हमने खुद से सवाल पूछा कि क्या हर बराबर है तो हमें जवाब मिला नहीं है तो स्टेप नंबर टू जो बच्चा हमारा होगा वो ये होगा कि किसी तरह से हम अपने हरों को बराबर कर दें ठीक है स्टेप नंबर टू क्या है हरों को बराबर करना है क्या करना है बराबर अब हरों को बराबर करने के लिए जो है हम एक तरीका था हमारे पास वो था एलसीएम उसको हम बाद में सीखेंगे पहले आज जो है हम नया तरीका सीख लेते हैं जो कि बहुत ही इजी है आपको जो है इसमें बिल्कुल कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा आपको जो है गुणा वो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा लेकिन ये बहुत ईजी तरीका है तो इसमें हम बच्चों क्या करते हैं हम जो है पहली वाली परिमेय संख्या को जो हमारी पहली वाली परिमेय संख्या है उसको हम दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा कर देंगे क्या कर देंगे दूसरी परिमेय संख्या के हर से हम इसको गुणा कर देंगे दोनों तरफ देखिए ये जो ये मेरी पहली संख्या है तेरह बटा चार है ना इसको मैंने गुणा करना है दूसरी के हर से दूसरी संख्या का हर कौन है तीन है तो तीन से मैं तेरह को भी गुणा करूंगी तीन से मैं चार को भी गुणा करूंगी ठीक है और जो मेरी दूसरी परिमेय संख्या है इसको मैंने गुणा करना है पहली परिमेय संख्या के हर से मतलब एकदम उल्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने इसको करनी है ठीक है किससे करना है हमने दूसरी के सॉरी पहले के हर से दूसरी परिमेय संख्या को गुणा करना है अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर ये बिल्कुल सिंपल है चलिए देखते हैं पहली संख्या को दूसरे के हर से गुणा करना है तो करते हैं ये तेरा है ये चार है अभी अब हमने कहा कि इसको तीन से गुणा करना है तो करिए चार को तीन से गुणा किया और तेरह को तीन से गुणा किया ठीक है ये हमारा स्टेप नंबर वन जो है बच्चों वो हो गया इसको जो है हमने पहली परिमेय संख्या को दूसरी के हर से गुणा कर दिया है ठीक है बीच में निशान किस चीज का है तो बीच में है माइनस का क्योंकि हमने इनको आपस में घटाना है तो माइनस का निशान लगा दीजिए फिर अगला हमने क्या करना है दूसरी परिमेय संख्या को पहली के हर से गुणा करना है तो यहां पर मैंने लिख दिया सात बटा तीन और गुणा किससे करना है चार से चलिए करते हैं तेरा तीए होता है उनतालीस और चारती होता है बारह माइनस सातों के होता है अट्ठाईस और चारती होता है बारह तो देखिए जो मेरे हर है वो बराबर हो चुके हैं है ना और मेरा स्टेप नंबर टू क्या था कि मैंने अपने हर को बराबर करना है ऐसे हम तो इसको एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हैं वो हम बाद में करेंगे अभी हम इसे जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या फिर इसको बटरफ्लाई मेथड भी बोलते हैं ठीक है आप इसको इसको मल्टीप्लाई भी ऐसे याद कर सकते हो तो क्या होगा यहाँ पर अब देखिए हर जो है मेरे बराबर हो चुके हैं तो हर को मैं सिर्फ एक बार लिखूंगी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बारह और अंशों को हम जो है बिल्कुल उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में ये लिखे गए हैं जैसे पहले कौन है पहले उनतालीस है तो यहां पर पहले उनतालीस ही आएगा आप अट्ठाईस को पहले नहीं लिखेंगे ऐसे करने से आपके जो क्वेश्चन है ठीक है थीके? तो पहले उनतालीस लिखा फिर क्या है माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया फिर अट्ठाइस है तो अट्ठाइस को हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब अब क्योंकि हमारे हर बराबर हो चुके हैं तो अंश को सॉल्व करेंगे हम उनतालीस में से अट्ठाइस को घटाते हैं ठीक है ग्यारह वेरी गुड तो इसका आंसर कितना आया ग्यारह बटा बारह लेकिन ये अभी हमारा जो है बच्चों कंप्लीट आंसर नहीं है क्यों हमारा आंसर ये कंप्लीट नहीं है अभी क्योंकि हमने इसका जो है वो साइन देखना है चिन्ह देखना है कि उत्तर का चिन्ह कौन सा होगा उत्तर का जो साइन होता है वो हम कैसे देखते हैं जब हमने अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया ठीक है हमें पता था कि ये मेरी दो संख्या है इनको माइनस करना है मैंने सॉल्व कर लिया तो अब मैं देखूंगी कि जिन संख्याओं को मैंने घटाया उसमें उन दोनों में बड़ी संख्या कौन है तो बड़ी संख्या है उनतालीस ठीक है उनतालीस बड़ा है उनतालीस के पास जो चिन्ह है वो कौन सा है अभी तो उनतालीस के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है चिन्ह हमेशा आगे लगता है ठीक है जैसे अट्ठाईस के आगे लगा है चिन्ह तो अट्ठाइस के आगे कौन सा चिन्ह लगा है अट्ठाइस के आगे लगा है, है माइनस का चिन्ह क्योंकि देखिए उनतालीस माइनस अट्ठाइस तो मतलब अट्ठाइस का चिन्ह है माइनस का और उनतालीस के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता उसके आगे एक चिन्ह होता है वो कौन सा होता है बच्चों प्लस का, का। जमा वेरी गुड प्लस का तो मतलब जो हमारी बड़ी संख्या है उसका चिन्ह प्लस का है तो उत्तर का जो चिन्ह है वो भी प्लस का ही होगा इसलिए हमने यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया है क्योंकि प्लस की संख्या को आप चाहे चिन्ह के साथ लिखो या बिना चिन्ह के लिखो बिना साइन के लिखो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं यहाँ पर लगा भी सकती हूँ जमा का निशान और नहीं भी तो ये जो है मेरा आंसर आ गया ठीक है तो ऐसे भी हम जो है परिमेय संख्याओं को जमा या घटा सकते हैं कुछ नहीं करना है बिल्कुल सिंपल है पहली परिमेय संख्या को दूसरे के हर से गुणा कर दो दूसरी परिमेय संख्या को पहले के हर से गुणा कर दो और ऊपर नीचे दोनों जगह करना है ठीक है तेरह को भी इसके हर से गुणा करो चार को भी इसके हर से गुणा करो तो बच्चों अगर आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं वाई टाइप करने के लिए आप चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं ठीक है कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा कैसा मेथड जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अभी जो है आप एक क्वेश्चन इसके बेस पर मुझे करके दिखाएंगे सभी बच्चे ठीक है इस वाले तरीके से अगर आप एलसीएम वाले तरीके से करना चाहते हो जिसको उस तरीके से आता है वो उस तरह से भी कर सकता है अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कीजिएगा बस आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों को जो आपका देखिए मेरा यहाँ पर अंतिम उत्तर आया था बटा, तो मुझे पता है कि 11 और 12 आपस में कट नहीं सकते है ना कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सके 11 11 से ही जाएगा है ना 11 जो है 11 से ही भाग होगा 12 जो है दो तीन चार छह और 12 से जो है भाग हो सकता है लेकिन ग्यारह किसी और संख्या से भाग नहीं होगा इसलिए हम इन दोनों को नहीं काट सकते पर मान लीजिए अगर आपका उत्तर कुछ इस तरह से आता है कि यहां पर आपका उत्तर आता है बाईस और नीचे आता है बारह तो आपने इसको इसके सरलतम रूप में लिखना है सरलतम रूप क्या होता है आपने इसको जो है काट के लिखना है तो चलिए काटते हैं दो से काटेंगे दो एकम दो दो एक दो, मतलब ग्यारह दुनी बाईस और यहाँ पर दो से काटेंगे तो दो छिके बारह तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर आया ग्यारह बटा छे। तो जब भी आप इस तरह से जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करो या किसी भी तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व करो अंत में अगर अंश और हर आपस में कटते हैं या किसी सेम संख्या से कटते हैं तो काट दीजिए नहीं कटते हैं तो उनको वैसे का वैसा ही रहने दीजिए ठीक है तो चलिए पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं उसके बाद हम जो है अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे देखिए यहाँ पर इन्होंने भी वैसा ही किया है चार को भी इन्होंने यहाँ पर तीन से गुणा किया तेरह को भी तीन से गुणा किया तो आया तेरह तीय उन्तालीस और चारतीय बारह इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है सात को इन्होंने चार से गुणा किया तीन को भी चार से गुणा किया और उन्होंने डायरेक्ट ही जो है बारह वाले स्टेप पे ये पहुंच गए हैं इन्होंने जो है एक स्टेप नहीं किया जिसमें हमने क्या किया था इनको गुणा करके लिखा था तेरह ती आया यहाँ पर उनतालीस साचो के आया अठाईस और अपॉन में बारह है इसका हर और जब इसको हल किया तो ग्यारह बटा इनका आंसर आया जो कि हमारा भी आया था ठीक है चलिए आपने जो है पांच बटा छह में से माइनस करना है सात बटा तीन को तभी बच्चे करेंगे और बच्चों आपने ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर होगा उसका चिन्ह कौन सा होगा उसका साइन कौन सा होगा ठीक है आप जल्दी से इसे सॉल्व सौ, करने की कोशिश करें सभी बच्चे कोशिश करेंगे मैं किसी का भी कैमरा ऑन करके जो हूँ आपकी नोटबुक बच्चों देख सकती हूँ और जो बच्चे नए ज्वाइन हुए बेटा आप जो है पहले चैट बॉक्स में अपना नाम लिख लें मोनिका पायल मीनाक्षी महेश नितिन एकता दिव्या कपिल मनीष यमन और प्रदीप इनके अलावा क्लास में जितने भी बच्चे हैं बच्चों आप चैट बॉक्स में पहले अपना नाम लिखें फिर जो है अपना क्वेश्चन आप सॉल्व करें ठीक है ज्योति ने अपना नाम लिख दिया है अच्छा जो पायल के नाम से बच्ची ज्वाइन है उनके फादर का नाम है नरेश्वर जी जो नरेश्वर जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है ना उनका नाम भी पायल है आपका नाम भी पायल ही है बेटा जो प्रमोद जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है ठीक है बहुत से बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है किसी का माइनस तीन बटा दो किसी का माइनस बटा अठारह तो सभी बच्चे कोशिश करें ठीक है बेटा, आपका नाम भी पायल ही पायल है, ओके। चलिए तो साथ में साथ मैं यहाँ पर भी जो इसका सोल्यूशन शुरू कर देती हूँ फिर देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है और कैसे है तो हमने क्या करना था अगर हम इस वाले मेथड से करें तो पहले जो है हमने इस तीन से जो है वो दोनों को गुणा करना था तो चलिए करते हैं पांच गुना तीन और छे गुना तीन यहां लिख दिया बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाएंगे उसके बाद हमने क्या करना था इस छे से जो है वो दोनों को गुणा करना था तो कर लेते हैं गुणा यहाँ पर सात गुना छ बटा तीन गुणहा छ ठीक है तो चलिए गुणा करते हैं पांच तीन होता है पंद्रह और छह तीय होता है अठारह माइनस सात होता है बयालीस और छह तीय होता है अट्ठारह ठीक है अब यहां पर इनका जो एलसीएम है सॉरी हर है वो बराबर हो चुके हैं तो हर को हम एक ही बार लिखेंगे अट्ठारह को एक बार लिखेंगे और अंशों को जो है बिल्कुल क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में ये लिखे गए हैं पंद्रह माइनस बयालीस ठीक है अब आप सबको पता है कि पंद्रह में से बयालीस तो माइनस बच्चों हो नहीं सकते तो बयालीस में से पंद्रह को माइनस कर देते हैं है ना तो यहां पर जब हमने इसको माइनस किया तो हमने पाया कि अगर दो से तो ये जाएगा नहीं तो इसने इससे कैरी मांगी एक हसल मांगी तो ये बन गया बारह बारह में से पांच गए तो और तीन में से एक गए तो दो तो यहाँ पर जो उत्तर आया वो आया सत्ताईस बटे अठारह ठीक है लेकिन अभी ये आंसर हमारा पूरा नहीं है पहले हम देखेंगे इसका साइन कौन सा होगा तो बच्चों आप माइक ऑन करके कोई बच्चा बताएगा कि इसका साइन माइनस का क्यों है माइनस क्यों है बेटा माइनस का मैम क्योंकि माई फोर्टी टू वेरी गुड हां जी हाँ जी ठीक है दोनों बच्चों ने ठीक बोला कि 42 बड़ा है और उसका जो चिन्ह है वो माइनस का है इसलिए उत्तर में भी जो है वो माइनस का ही चिन्ह आएगा अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये कटते हैं तो काट दो नहीं कटते हैं तो रहने दो तो, पर हमें दिख रहा है कि ये कट जाएंगे किससे तीन से ठीक है थ्री तीन नाइन होता है सत्ताइस और तीन छिके होता है अठारह तो ये आया नौ बटा छे और ये अभी भी जो है वो बच्चों कट सकता है कट सकता है ना तो तीन तीन नौ और तीन तो अंत में जो इसका फाइनल आंसर है वो है माइनस का तीन बटा दो ठीक है तो हाँ जो कपिल है बेटा आपका ठीक है जो ज्योति है बेटा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है बाकी एक बच्चे ने उनतीस बटा अठारह लिखा बेटा माइनस उनतीस तो नहीं आया आपने जो है माइनस में गड़बड़ी कर दी है जितने बच्चों ने लिखा है माइनस का है ना क्योंकि उनतीस नहीं आएगा माइनस करके माइनस करके जो है वो सत्ताइस आएगा तो अगर आप सभी बच्चों को समझ आ गया कि इसका जो उत्तर है वो माइनस तीन बटा दो कैसे है तो आप बताइए बट आप सभी बच्चों ने कोशिश की तो बच्चों वेरी गुड क्योंकि आप सभी बच्चों ने ट्राई किया आंसर गलत आए या सही आए उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता अभी आप सीख रहे हैं सीख तो जब हम सीखते हैं तो गलतियां सबसे होती हैं है ना तो जब हम सीखते हैं तब गलतियां होना एक आम बात है जब हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ठीक है तो अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर जो है वो माइनस तीन बटा दो क्यों है तो वाई टाइप कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं ओके बेटा आपने अपना नाम नहीं बताया जो ताराचंद जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है बेटा चलिए एक और क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं अच्छा आपका नाम भी पायल है तो मतलब इस क्लास में तीन पायल नाम के बच्चे हैं चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो बच्चा अभी ज्वाइन हुए हैं ऋतिक रोशन जी के नाम से बच्चा अभी अपना रियल नेम बताएं ठीक है क्वेश्चन सोल्व आप करें और साथ ही साथ मेरी आप एक बात भी सुने देखिए मैंने आपको ग्रुप में होमवर्क भेजा था है ना बच्चों पर आप में से किसी भी बच्चे ने जो है अपना होमवर्क सॉल्व uh, करके उसका फोटो ग्रुप में बच्चों वापस आपने नहीं भेजा तो आप प्लीज जो है अपना होमवर्क जो है वो सोल्व करें देखिए क्लास में इतने सारे बच्चे आए हैं लेकिन होमवर्क जो है एक भी बच्चे ने अपना नहीं भेजा है तो बच्चों आपने ऐसा नहीं करना है बिल्कुल आपको देखिए सिर्फ एक या दो क्वेश्चन सोल्व करने को दिए जाते हैं है ना तो आप उन्हें सोल्व किया कीजिए बस आपके पांच मिनट आपने अपने मतलब बिजी शेड्यूल से निकालने हैं और जो है आपने अपना होमवर्क सोल्व करना है और उसका फोटो

भेजे ठीक है चलिए तो बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करके अपना आंसर दे दिया है जो तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन था तो ये हमारे पास देखिए सिंपल नहीं था थोड़ा घुमा फिरा के आपको पूछा गया था तो सबसे पहले जब जिन बच्चों ने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि कभी भी हमें जो है वो दो चिन्ह एक साथ नहीं चाहिए होते हम नहीं चाहते कि दो चिन्ह एक साथ हो तो उसको हम जो है एक चिन्ह में या एक साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो चलिए करते हैं यहाँ पर माइनस का एक वटा दो ही रहेगा ठीक है यहाँ देखिए दो चिन्ह एक साथ है तो प्लस माइनस जो है वो कौन से चिन्ह में बदलेगा क्या प्लस माइनस प्लस होता है या प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है सभी बच्चे बताए माइनस प्लस और माइनस ठीक है बेटा वेरी गुड प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है क्यों क्योंकि प्लस और माइनस दोनों ही अलग अलग, अलग चिन्ह है अलग अलग साइन है और जब साइन अलग होते हैं तो वो हमेशा माइनस बन जाते हैं तो यहाँ पर बन गया माइनस अब यहाँ पर देखिए तीन बटा चार है तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन अभी तैयार हुआ जिसे हमने हल करना है पहले हमें जो है इन दो चिन्हों को एक चिन्ह में बदलना था तो चलिए देखते हैं क्या है, यहाँ पर करना होगा फिर वही करेंगे इस पूरी संख्या को जो है इसके हर से गुणा करेंगे और इस पूरी संख्या को जो है इसके हर से गुणा कर देंगे तो दो गुणा चार एक गुणा चार बीच में माइनस का निशान ये है तीन बटा चार इसको गुणा करेंगे दो से और इसको भी दो से चलिए गुणा करते हैं यहां पर भी माइनस का ही निशान रहेगा तो चारिकम चार होता है चार दूनी होता है आठ माइनस का निशान रहेगा एक और माइनस तीन दूनी होता है छ और चार दूनी फिर से होता है आठ तो हमारे हर जो है वो बराबर हो चुके हैं हर को एक बार लिखिए तो मैंने यहाँ पर आठ एक बार लिख दिया इस... अब जो है इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे जिस क्रम में ये लिखे गए हैं तो ये मैं लिख देती हूँ माइनस का चार और माइनस का छे अब मुझे बच्चों आप बताइए कि माइनस का चार और माइनस का छे आपस में क्या होंगे क्या ये जमा होंगे या ये माइनस हो माइनस होंगे क्यों होंगे बेटा जमा अगर आपका रीजन तो बता पाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं के दोनों दोनों के चिन्ह कैसे हैं एक जैसे हैं ना बिल्कुल एक समान एक। है जब चिन्ह समान होंगे एक जैसे होंगे तो हम हमेशा जमा करते हैं जब चिन्ह अलग हो साइन अलग हो तो हम हमेशा उनको घटा देते हैं ठीक है ये देखिए जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं ये माइनस है ये भी माइनस है माइनस माइनस क्या होता है प्लस इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए छे में चार जोड़ेंगे तो आएगा दस और अपॉन में आएगा एट ठीक है अब जो इसका आंसर है उसमें कौन सा चिन्ह आएगा तो जितने बच्चों ने अपना आंसर लिखा सभी बच्चों ने माइनस का लिखा था बच्चों आपने जो है यहाँ पर माइनस का निशान क्यों लगाया क्योंकि दोनों संख्या में माइनस का निशान है हाँ दोनों संख्या में माइनस है ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा है ना और जो हम एक और बात भी देखते हैं कि छह बड़ा है कौन बड़ा है छह यहाँ पर बड़ा है और छह के पास चिन्ह कौन सा है माइनस का है है ना तो इस, तो हमने आ, हमें पता है कि जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो उत्तर में आता है इसके पास माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस का चिन्ह ही बच्चों लगाएंगे तो ये आया माइनस का दस बटा आठ लेकिन मैंने कहा कि अगर ये संख्याएं आपस में कटती होंगी तो हम इसे काट देंगे तो चलिए काटते हैं दो से कटेंगे दोनों दो पंज दस दो चके आठ तो इसका मतलब है माइनस का पांच बटा चार इसका जो है वो सही उत्तर होगा ठीक है तो कुछ बच्चों ने जो है माइनस का एक बटा चार लिखा था तो शायद जो है आप जरूर साइन में बच्चों कंफ्यूज आप हो गए होंगे यहाँ पर है ना तो अगर आपको अपनी गलती समझ आ गई बच्चों की कहा आप गलत थे तो बहुत अच्छा है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछ सकते हो हाँ बाद में जो है कुछ बच्चों ने ठीक करके लिखा था मेरा सॉल्व होने से पहले ही उन्होंने अपना आंसर ठीक करके लिख दिया था माइनस पॉइंट पांच बटा चार जो कि बिल्कुल ठीक है हाँ ऊपर देखिए सभी बच्चों ने माइनस एक बटे चार माइनस एक बेटा चार ही लिखा था है ना तो इसलिए जो है मुझे पता था कि बहुत से बच्चे इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं इसलिए हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी अभी ट्राई किया तो चलिए एक और आपको ऐसा क्वेश्चन बच्चों ट्राई करने के लिए मैं देती हूँ उसके बाद जो है पोल सेक्शन में हम क्वेश्चन करेंगे ठीक है किसी बच्चे को मन में कोई भी डाउट अगर बच्चों आएगा तो आपने मुझसे जो है वो जरूर पूछना है अब जो है मैंने यहाँ पर साइन जो है वो चेंज कर दिए हैं चलिए इसे आप सॉल्व कीजिए माइनस का चार बटा पांच है उसमें से माइनस करना है माइनस के आठ बटा तीन को जो इस मतलब ग्रुप में पायल नाम से बच्चे हैं बच्चा जब आप अपना होमवर्क भेजेंगे तो आप जो है अपने फादर का नेम भी जरूर लिखें ठीक है क्योंकि तीन बच्चे हैं जो पायल के नाम से हैं तो इसलिए आप में जो है मुझे पता लगे कि, कि किस पायल ने अपना होमवर्क करके भेजा है तो अपने फादर का नाम भी जो है जरूर लिखें जब आप अपना होमवर्क भेजेंगे तो अपना नाम भी आपने लिखना है और तो आपने अपने फादर का नेम भी जो है वो साथ में लिखना है ठीक है बाकी बच्चे अगर अपना ही नाम लिखें तो भी चलेगा ठीक है सभी बच्चे कोशिश करें यहां पर भी देखिए दो तरह के चिन्ह हैं इनको हमने एक साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन कौन सा होगा वो आप सोचिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें अगर मैं आपको यहां पर बता देती हूं अगर चिन्ह होते हैं अलग तो हमेशा बनता है प्लस सॉरी 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 माइनस और अगर चिन्ह होते हैं एक जैसे एक समान तो हमेशा बनता है प्लस ठीक है और यही चीज आपने जो है अगले इसके अगले स्टेप में तो आप इसको एक एक चिन्ह में बदलोगे उसके अगले स्टेप में भी आपने यही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर चिन्ह दोनों के अलग अलग होंगे तो माइनस करना है अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे होंगे तो आपने जमा करना है ठीक है तो प्लस होगा या माइनस होगा वो भी आप इसे देख ही पता लगा सकते हैं ठीक है तीन बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है देखिए चार बच्चों ने आंसर दे दिया है चारों के आंसर जो है वो अलग अलग हैं दो बच्चों की सेम है दो बच्चों के अलग अलग हैं चलिए देखते हैं तो कौन सा आंसर है जो बिल्कुल ठीक है तो यहां पर भी हम उसी वाले तरीके से बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए माइनस का चार है और बटे में पांच है ठीक है किससे हम इसको गुणा करेंगे तीन से तो चलिए करते हैं इसको भी तीन से और इसको भी तीन से और यहाँ पर माइनस अच्छा पहले हम इसको चिन्ह को बदल देते हैं इसको बाद में करेंगे पहले हम क्या करेंगे माइनस का चार बटा पांच हमने ऐसे का लिख दिया अब देखिए ये दो चिन्ह थे तो यहाँ पर जो है क्या कौन सा चिन्ह बच्चों आएगा कोई बच्चा बता सकता है माई कौन करके प्लस का आएगा क्योंकि तो मैम घटा घटा जमा होती है वेरी गुड क्योंकि दोनों चिन्ह जो है घटाव के हैं और दोनों कैसे एक जैसे हैं इसलिए जो है वो प्लस का साइन बन जाएगा तो यहाँ पर आ गया प्लस और ये है आठ बटा तीन तो अब देखिए हम क्या करेंगे अब हम लगाएंगे इसमें अपना स्टेप क्या करेंगे हम माइनस के चार बटा पांच को गुणा करना है हमने तीन से तो यहाँ पर कर देंगे आगे जमा का निशान है और आठ बटा तीन को हमने गुणा करना है पांच से तो यहाँ हम इसको गुणा कर देंगे ठीक है आगे चलते हैं चार तीए होता है बारह पांच तीए होता है पंद्रह ये है माइनस का और आगे ये जमा का है आठ पंजे होता है पैंतालीस और तीन पंजे होता है पंद्रह ठीक है तो चलिए इसे हम सा, अ, हल करते हैं अब जो हमारा हर है वो बराबर हो चुका है पंद्रह पंद्रह तो मैंने यहाँ पर पंद्रह लिख दिया एक बार और यहाँ पर देखिए जो अंशों को बिल्कुल क्रम में लिखना है तो माइनस का बारह जमा पैतालीस जो है वो यहाँ पर आया अब ही होते हैं फोर्टी हाँ यहाँ पर गलत हुआ आठ पंच तो पर कितना आएगा चालीस अब बताइए ये क्या होगा यहाँ पर ये यह जमा होंगे या माइनस होंगे माइनस होंगे वेरी गुड क्यों माइनस होंगे क्योंकि देखिए ये माइनस का है ये जमा का है दोनों चिन्ह कैसे हैं वो अलग अलग है अलग अलग होते हैं तो हम जो है हमेशा क्या करते हैं बच्चों घटाते हैं घटा चलिए अब बारह में से चालीस तो घटेगा नहीं तो चालीस में से बारह को माइनस करके देखते हैं तो यहां पर आया आठ और यहां पर आया दो 28 यहां पर आया अट्ठाईस बटा पंद्रह उत्तर का चिन्ह कौन सा होगा प्लस का होगा क्यों प्लस का होगा क्योंकि चालीस बड़ा है चालीस बड़ा है उसका चिन्ह कौन सा है प्लस का तो इसलिए आंसर में भी प्लस का निशान ही आएगा तो इसका जो सही उत्तर है वो है अट्ठाईस बटा पंद्रह तो जिन बच्चों का अट्ठाईस बटा पंद्रह आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कुछ बच्चों का गलत है ऐसा क्यों बेटा आपने अगर इसे को अपनी कॉपी पे सॉल्व किया तो आप अपनी कॉपी जो है कैमरा ऑन करके दिखाएं तो मैं जो हूं देखूंगी कहां आपसे गलती हुई है जिन बच्चों ने उत्तर दिया था बावन बटा पंद्रह या माइनस बावन बटा पंद्रह मोनिका मोनिका आप अपनी कॉपी दिखा सकते हैं ठीक है अभी जो है पायल ने अपनी कॉपी दिखाई है मैं पायल की कॉपी चेक करती हूं हाँ बेटा आपका तो ठीक है पायल का तो ठीक है मोनिका तो आप अपनी नोटबुक दिखाएं बेटा क्लियर नहीं दिख पा रहा है ये बहुत ही जो है ब्लर नजर आ रहा है ऐसा क्यों थोड़ा सा बेटा आप अपना कैमरा दूर करें थोड़ा सा इसको पीछे करें हाँ थोड़ा सा पीछा पीछे अभी क्लियर आया था थोड़ा बहुत ही ब्लर नजर आ रहा है ये थोड़ा सा आगे करें अपने फोन की स्क्रीन पर क्लिक करें ना आपको फोटो दिख रहा है ना उस पर से क्लिक करो तो क्या पता ये फोकस कर पाए नहीं हो पा रहा चलिए कोई बात नहीं ये बहुत लहर नजर आ रहा है तो आपका जो है बेटा आप मुझे बाद में इसका फोटो भेज सकते हैं ठीक है और किसने दिया था आंसर नितिन आप अपनी नोटबुक दिखाएं बेटा अगर नितिन क्लास में है तो आप अपना कैमरा ऑन करें अपनी नोटबुक दिखाएं हाँ नितिन क्लास में ही है कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं बेटा ठीक है अठाईस पंद्रह हाँ तो बेटा आपने जो है यहां पर आंसर लिखा था माइनस बाईस अच्छा आपने ठीक लिखा था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ वेरी गुड आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और कौन है ज्योति आप अपने नोटबुक दिखाएं। अगर ज्योति को मेरी आवाज आ रही है तो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं बेटा आपने आंसर दिया था माइनस फिफ्टी टू अपॉन ट्वेल्व सॉरी फिफ्टीन आपकी नोटबुक नजर नहीं आ रही ज्योति और पायल आप भी अपना जो है वो नोटबुक दिखाएं नागेश्वर जी के नाम से जो पायल ज्वाइन हुई है बेटा आप अपनी नोटबुक दिखाएं अच्छा आपका क्लियर नहीं था आपका ब्लर था है ना तो फिर और किसका गलत है प्रदीप आप अपनी नोटबुक दिखाएं बेटा ठीक है अभी यहां पर क्लियर नहीं दिख पा रहा है ठीक है ठीक है ठीक है अट्ठाईस बेटा पर बट आपका आंसर ठीक है जो राधिका जी के नाम से ज्वाइन हुई है चलिए लगता है बाकी बच्चों को मेरी शायद आवाज नहीं आ रही होगी या क्लास में वो अभी नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 28 बटा पंद्रह अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है कि अट्ठाईस बटा पंद्रह कैसे है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं वाई टाइप कर दीजिए बच्चों अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो अगर आपको समझ आ चुका है तो नहीं बेटा प्रदीप जो आपने आंसर चैट बॉक्स में लिखा है वो गलत है और पायल जो ताराचंद जी के नाम से ज्वाइन हुए बेटा आपका आंसर भी गलत है अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे आप बच्चों पूछें कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दें अगर आप चाहते हैं मैं इस सवाल को दोबारा से समझाऊं तो मैं आपको दोबारा से भी इसे समझा सकती हूं। ठीक है अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है कोई चाहता है कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊं तो बच्चों आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं ठीक है अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं किसी को कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके आप बच्चों बता दीजिएगा ठीक है अभी आपको मेरी सुनी नजर नहीं आ रही होगी एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए ठीक है तो एक बार हम फिर से इसको समझते हैं जो हमने क्वेश्चन लिखा था क्वेश्चन क्या था कोई बच्चा बताएगा क्योंकि यहां पर जो है वो स्क्रीन से गायब हो चुका है माइनस फोर अपॉन में फाइव एक माइनस फोर अपॉन में फाइव माइनस में माइनस एट अपॉन में थ्री ठीक है थैंक यू चलिए तो देखते हैं इसका क्या जो सोल्यूशन होगा तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना होता है जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन नजर आए जहां पर दो साइन एक साथ हो तो सबसे पहले उन दो साइन को हमने एक में कन्वर्ट करना होता है उन दो साइन का हमने एक साइन बनाना होता है तो जब भी दो साइन होंगे तो उनका जब एक साइन बनेगा तो या तो वो प्लस बनेगा या तो वो माइनस बनेगा प्लस कब कब बना करेगा जब चिन्ह समान होते हैं जब चिन्ह एक जैसे होते हैं ठीक है और माइनस कब कब बना करेगा जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो अगर हम यहाँ पर नजर दौड़ाएं तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है दोनों सेम है है ना तो मतलब इसका जो चिन्ह है वो बन जाएगा पॉजिटिव का और ये रहेगा ऐसे का ऐसा फिर आगे जो हमने देखा था वो हमने ये देखा कि हम क्या करेंगे इस पूरी परिमेय संख्या को गुणा कर देंगे इसके हर से और इस पूरी परिमेय संख्या को गुणा कर देंगे इसके हर से पहली संख्या को गुणा करो दूसरे के हर से दूसरे संख्या को गुणा करो पहले के हर से तो चलिए करते हैं माइनस चार बटा पांच को हमने ऊपर और नीचे तीन से गुणा करना है ठीक है जमा बीच में जमा का निशान और आठ बटा तीन को हमने गुणा करना है पांच से तो चलिए इनको गुणा करके देखते हैं क्या आएगा चारतीय होता है बारह और पांच तीय होता है पंद्रह क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस ऐसे कैसा लगा रहेगा होता होता है और पांच होता है है और तो हम हमने जो है इसे गुणा करके यहां पर लिख दिया अब हमने देखा कि हमारे जो हर है वो बराबर हो चुके हैं तो अपने हरों को जो है हम बस एक बार लिखेंगे और जो हमारा अंश है उसको हम बिल्कुल जो है बच्चों को क्रम में लिखेंगे ठीक है तो ये है माइनस का बारह और ये है जमा का चालीस अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या होगा क्योंकि दोनों के जो चिन्ह है वो कुछ अटपटे से है मतलब नॉर्मल नहीं है है ना अगर हमने इसको कुछ करना होता तो अगर अगर चालीस बारह लिखा होता तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते पर जब ऐसे आगे पीछे चिन्ह हो जाए तो हमें पता करना पड़ता है कि हम इनके बीच क्या करेंगे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे तो बिल्कुल सेम आपने यही वाली चीज याद रखनी है समान होगा तो यहां पर प्लस बना था है ना समान होगा तो जमा करेंगे ठीक है और अलग अलग होंगे तो घटा देंगे तो देखिए यहां पर चिन्ह कैसे हैं अलग अलग है। है माइनस है, है, है? अलग अलग है, तो करेंगे? करेंगे तो मतलब माइनस तो होगा नहीं तो 40 में से 12 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया आठ और यहाँ पर इसने इसको असल दी थी और यहाँ पर खुद तीन बच गया था तो यहाँ पर तीन में से गए तो आ गया दो तो मतलब हमारा आंसर आ गया अट्ठाईस बटा पंद्रह ठीक है और यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा चिन्ह आएगा जमा के निशान ही यहां पर आएगा क्यों क्योंकि देखिए जिन संख्याओं को हमने आपस में माइनस किया उसमें बड़ा बड़ा कौन था बड़ा चारिस था चारिस का जो चिन्ह है चालीस का जो साइन है वो पॉजिटिव है इसलिए आंसर में भी जो है वो मैंने पॉजिटिव ही लिखा है ठीक है तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो अट्ठाईस बटा पंद्रह आया अच्छा आपने इसे आगे और काटा है ठीक है ठीक है ठीक है, है तो ऐसे अगर हम आगे और काटे तो आपने इसे काटा किससे काटा आपने इसको नहीं बेटा ये आगे कट नहीं होगा देखिए क्योंकि आपने चलिए अट्ठाईस को तो आपने दो से काटा ठीक है देखिए अट्ठाईस को आपने दो से काटा तो कितना आया दो एक कम दो दो चक्के आठ ठीक है जो प्रदीप आपने जो इसे कट किया ना ये ऐसे कट नहीं होगा यहाँ पर तो चौदह आ गया लेकिन क्या दो से आपने जो है अपने अंश को दो से काटा है ना पर क्या हमारा हर दो से कट होता है क्या पंद्रह दो से कट हो सकता नहीं। है नहीं हो सकता तो इसलिए हम जो है इसको दो से नहीं काटेंगे जैसा आपने लिखा है इसको काट के साथ तो बच्चे सात दुनिया चौदह होता है ठीक है तो अगर ये वाली संख्या जो है पूरी तरह से जब तक नहीं कटेगी तब तक हम इसको नहीं काट सकते ठीक है तो अभी जो है इस, इसलिए जो इसका आंसर है वो आया 28 बटा पंद्रह जमा का क्यों आया क्योंकि बड़ा चिन्ह किसके पास था चालीस बड़ा है चालीस के पास जमा का निशान था ठीक है तो यहां पर हमारा आंसर आया 28 बटा पंद्रह ठीक है प्रदीप आपको समझ आया कि ये क्यों नहीं कर सकता चलिए तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं आपको जो है एक बार एक बात बता देती हूँ एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए अभी जो मैं आपको बता देती हूं कि हम जो है वो क्लासेस अब थोड़ी सी चेंज करने वाले हैं क्लासेस में क्या चेंज करने वाले हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ यहाँ पर चलिए तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी तो हम जो है यहाँ पर अगले हफ्ते से कुछ बच्चों चेंज करने वाले हैं तो हम क्या चेंज कर रहे हैं जो हमारी अगले हफ्ते में 12 जुलाई मंगलवार को जो क्लास होगी और उसके बाद मंगलवार उसी हफ्ते के मंगलवार और शनिवार को जो क्लासेस होंगी उसमें हमने जितना भी अवंती का अभी तक का सिलेबस पढ़ा है उसे हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जहां तक हमारा वो रिवाइज होगा तीन क्लासेस में वहां तक हम उसे रिवाइज करेंगे उससे अगले हफ्ते की जो क्लासेस होंगी ठीक है इस ये जो अभी हफ्ता आने वाला है ना आपका जैसे परसों से उसका भी अगला हफ्ता उसमें हम क्या करेंगे जो आपकी सेट की परीक्षा स्कूल में होने वाली है उसका हम जो है आपको रिवीजन कराएंगे तीन दिन में हमसे जितना भी बच्चों हो पाएगा ठीक है तो आप सभी बच्चों ने क्या करना है आज से ही आपने अपने सेट एग्जाम के मैथ्स की तैयारी शुरू कर देनी है जिन जिन सवालों को हल करने में आपको बच्चों दिक्कत का सामना करना पड़े वो सारे सवाल आप एक नोटबुक पर जरूर लिख के रखें और जो है अगले से अगले हफ्ते की क्लासेस में आप जरूर मुझसे वो सवाल पूछें ठीक है और अभी जैसे हम काट रहे थे हैं ना तो काटने में भी जो है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है जैसे कैसे हम चीजों को अब संख्याओं को काटे तो अभी जो हमारी आगे अगले हफ्ते में तीन क्लासेस आने वाली है उसमें हम ये भी सीखेंगे कि संख्याओं को ऊपर नीचे कैसे काटा जाता है ठीक है तो सभी बच्चे जो है उस क्लास को अटेंड करें आप जो है अगले हफ्ते से बच्चों रेगुलर क्लासेस में आना शुरू कर दें ठीक है तो ये हमारी तरफ से एक अनाउंसमेंट थी ये जो पोस्टर है ये जो है आपके ग्रुप में भी शायद शेयर किया गया था है ना तो वहां पर भी आपको ये शेयर किया गया था तो इसका क्या मतलब है ये क्यों बना गया है ये मैंने आपको अभी बच्चों समझा दिया कि इसमें हम क्या करेंगे रिवीजन शुरू कर रहे हैं पहले अवंती का सिलेबस पढ़ेंगे फिर आपके सेट एग्जाम का भी रिवीजन हम अच्छे से करेंगे चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं आगे आपको जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है तो इसलिए अभी के लिए आपका जो है बच्चों में चैट सेक्शन ऑफ कर देती हूं चलिए पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे उसे अच्छे से समझेंगे उसके बाद ही आप जो है उसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिएगा आपको यहाँ पर कहा गया है कि चौदह बटा पांच में ठीक है चौदह बटा पांच आपको दिया गया है इसमें से आपने घटा देना है ग्यारह बटा तीन को तो सभी बच्चे इसे जो है अच्छे से अपने नोटबुक पर सॉल्व करें जैसे कि आपने अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे है ना बहुत अच्छे से किए थे फिर एंड में बच्चों आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है किसका कि अगर आपका आंसर कटता है तो काट दीजिए सेम नंबर से है ना अलग अलग से नहीं और पूरी तरह से कटना चाहिए अगर नहीं कटता तो ना काटिए चिन्ह का आपने ध्यान रखना है साइन का आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है चलिए ठीक पांच सेकंड में आपको बच्चों पोल नजर आ जाएगा फाइव फोर थ्री टू एंड वन इस पोल के खत्म होने से पहले पहले सभी बच्चे अपना आंसर दे देंगे पोल जब तक आपका चला है बच्चों तब तक कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक नहीं दिखाएगा पोल एंड होने के बाद अगर मुझे लगा कि काफी बच्चों ने अपना आंसर गलत दिया है तो ही जो है हम आपकी नोटबुक चेक करेंगे नहीं तो हम इसका सोल्यूशन देख के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे ठीक है तो आप इसे सॉल्व कीजिए अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दीजिए और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपकी कॉपीज देखनी है अभी या नहीं एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपने चिन्ह का बच्चे ध्यान रखना है कि उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा तो भी बच्चे कोशिश करें आराम से आप इसे हल करें और जो भी आपका आंसर आता है उसे आप पोल सेक्शन में जाकर जरूर दें अपना आपने ऑप्शन बच्चों याद रखना है क्योंकि आपको जो है पोल सेक्शन में जाके सिर्फ ऑप्शन ही दिखाई देगा ठीक है ए ऑप्शन पे कौन है बी ऑप्शन पे कौन है सी पे कौन है डी पे कौन है ये आपको नजर नहीं आएगा सिर्फ आपको ऑप्शन ही नजर आएंगे तो आपने अच्छे से सॉल्व करो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही है उसको याद रख लो चार बच्चों के आंसर सॉरी पांच बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है वेरी गुड बच्चों जिसमें से एक बच्चा जो है वो साइन के चक्कर में कंफ्यूज होके उसने जो है गलत आंसर दे दिया है ठीक है बाकी बच्चों ने अभी तक ठीक आंसर दिया है तो साइन बच्चों बहुत आपको कंफ्यूज करेगा पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है वेरी गुड छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं बहुत अच्छे सात बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं बहुत बढ़िया आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं बहुत बढ़िया सात बच्चों ने जो है आठ में से सात बच्चों के ठीक है एक बच्चे ने गलत पहले कर दिया है ठीक है तो कोई बात नहीं आपका जो आंसर बेटा निकला वो बिल्कुल ठीक था बस आप जो है कंफ्यूज कहा हो गए साइन में कंफ्यूज हो गए तो इतनी छोटी सी गलती तो चलती है ना बाकी जो आपने सॉल्व किया होगा वो आपका बिल्कुल ठीक था आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं लेकिन क्लास में जो है अभी चौदह बच्चे हैं तो सभी के सभी बच्चे अपना आंसर दे नौ बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं वेरी गुड नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं बाकी बच्चे भी कोशिश करें दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं बहुत बढ़िया जिसमें से अभी तक नौ बच्चों ने बिल्कुल सही अपना आंसर दिया है बहुत अच्छे चले तो हम सेकंड का वेट करते हैं कोई बच्चा अगर है जो अभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है या कर रही है तो बेटा आप माइक ऑन करके बोल सकते हो कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए अगर सभी बच्चों ने अपनी तरफ से आंसर दे दिया है तो कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा ठीक है सेकंड हम यहाँ पर वेट करते हैं ठीक है बेटा अगर आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो यस हम आपका वेट कर रहे हैं आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा जैसे ही आप पोल सेक्शन में अपना आंसर दे देंगे तो आप जो है माइकॉन करके बता दीजिएगा ठीक है तब तक तो के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बाकी अगर कोई और बच्चा है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो बेटा अभी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा टाइम अभी जो है और आपको दिया गया है जो मीनाक्षी है वो सॉल्व कर रही है ठीक है तो बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए सॉल्व होता है तो अपना आंसर ओ सेक्शन में जरूर आप लोग दे दीजिए ठीक है और जो है बाकी के सभी बच्चे जितने भी बच्चों आप क्लास में आए हो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जो है होमवर्क जरूर भेजेंगे ठीक है सभी बच्चों के मैंने नाम लिखे हुए हैं तो आप सभी बच्चे जो है बस आपको पांच मिनट ही निकालने हैं मैं आपको ज्यादा होमवर्क बच्चों नहीं दूंगी एक या दो क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे सिर्फ उसमें जो है आपने अच्छे से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है आंसर आपका सही हो या गलत हो उससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो है कोशिश करें आपके आंसर में कोई गलती अगर होती है तो मैं उसे खुद आपको सुधारने के लिए बताऊंगी कि कहाँ गलती हुई है कैसे सुधारनी है वो पूरी जिम्मेदारी मेरी है आप बस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है मीनाक्षी अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा तो आप जो है हमें बता दीजिएगा जो है पोल सेक्शन में और भी आपको क्वेश्चन आने वाले हैं और टाइम क्लास का टाइम होने वाला है ठीक है ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं हो गया मैं। ओके बेटा तो चलिए पांच सेकंड का हम वेट कर लेते हैं फिर उसके बाद पोल सेक्शन आपका एंड हो जाएगा फाइव फोर थ्री टू वन बच्चों पोल सेक्शन आपका एंड हो चुका है और जो है आपका चैट सेक्शन वो ओपन हो चुका है आप चाहे तो अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें साइन का भी देखिए कोई झंझट ही नहीं है एक ही साइन इनके बीच में है तो हम अपना जो है वो लगा लेंगे हमने क्या सीखा है कि इसको जो है पूरे को तीन से गुणा करो तो कर लीजिए चौदह को भी तीन से गुणा करेंगे पांच को भी तीन से गुणा करेंगे माइनस ग्यारह इस वाले पूरे फ्रैक्शन को सॉरी परिमय संख्या को इससे गुणा करो तो ग्यारह को पांच से गुणा करेंगे और तीन को भी पांच से गुणा करेंगे ठीक है हाँ जो बच्चे चैट चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं बच्चों आपका आंसर जो है वो अभी तक ठीक है है ना तो अब देखिए हम गुणा करेंगे तो चौदह तीन कितना होता है यहाँ पर करके देखते हैं चार तीन होता है बारह तीन गम तीन तो एक चार मतलब चौदह तीन होता है बयालीस बयालीस बटा पंद्रह माइनस पचपन बटा पंद्रह ठीक है हमारे पास जो हर है वो बराबर हो चुके हैं तो उनको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पंद्रह और ये लिखेंगे हम बिल्कुल ऑर्डर में में इसी क्रम में, तो पहले बयालीस है फिर माइनस है फिर पचपन है अब हमें ये तो दिख रहा है कि इन दोनों को माइनस करना है लेकिन बयालीस में से पचपन तो माइनस होगा नहीं तो पचपन में से बयालीस को माइनस कर दीजिए तो जब हम पचपन में से बयालीस माइनस करेंगे तो पांच में से दो गए तीन और पांच में से चार गए तो एक तो मतलब जो हमारा उत्तर आया वो आया तेरा बटा पंद्रह लेकिन कैसा क्या वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा वो माइनस, माइनस का होगा क्यों क्योंकि देखिए पचपन बड़ा है पचपन बड़ा है इसके पास जो चिन्ह है वो माइनस का है तो उत्तर में भी माइनस का ही चिन्ह जो है बच्चों वो आएगा तो जिन बच्चे से गलत हो गया है आपने जो बच्चे सॉल्व किया था आपने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया था जहां भी आपको कंफ्यूजन हुई है वो सिर्फ साइन की कंफ्यूजन आपको हुई है तो हमने हमेशा ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह जो है उत्तर में हमेशा आता है ठीक है तो चलिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी तो अभी आपको एक और क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो अभी के लिए आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ और हम जो है क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है फिर आप उसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है चैट सेक्शन में जरूर जरूर आप दें उन्नीस बटा सात में से माइनस कीजिए इक्कीस बटा पांच को ये भी जो है थोड़ा सा लंबी क्वेश्चन है थोड़ा लंबा जाएगा इसमें गुणा पर आप इसे आराम से कीजिए बच्चों अगर आपको लगता है कि कोई यहां पर कटने वाला है तो आप इसको काट सकते हो लगता है कि नहीं कटेगा यही आंसर आएगा तो वो आंसर आप दे दीजिएगा ठीक है ठीक पांच सेकंड में आपको पोल नजर आ जाएगा फाइव फोर थ्री टू वन चलिए करना वैसे ही जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था बस इस बार भी बच्चों आप जो है वो चिन्हों का ध्यान रखें और गुणा जो है वो अच्छे से करें ठीक है जो भी आपको गुणा करने के लिए आएगा वो आप अच्छे से करें जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हो रहे हैं लेफ्ट होने के बाद बच्चों में आपको बता दूं आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जिसमें आपको कहा गया है कि 19 बटा सात में से 21 बटा पांच को माइनस कर दीजिए तो आप क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे और सेक्शन में अपना आंसर देंगे एक बच्चे का आंसर आ चुका है वेरी गुड बाकी बच्चे भी कोशिश करें उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे बस बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके इसका आंसर दें इसका फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे फिर हम क्लास को जरूर एंड कर देंगे क्योंकि क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी इसलिए थोड़ा सा जो है टाइम ज्यादा जाएगा यहाँ पर दो तीन मिनट ज्यादा जो है यहाँ पर जाएंगे ठीक है तो आप सभी क्लास में बने रहें इसी तरह इसका जो है सोल्यूशन जानने के बाद ही आप क्लास को बच्चों लेफ्ट

अभी जो है क्लास में आठ नौ दस ग्यारह बारह बच्चे हैं बारह में से पांच बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है सात बच्चे अभी भी रहते हैं जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज करें हैंड रेज कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं यहां पर आपको ऐसे तीन डॉट्स नजर आ रहे होंगे उसके साथ आपको ऐसा जो है हाथ नजर आ रहा होगा ठीक है उस हाथ पे आप क्लिक करें तो आपका हैंड जो है बच्चों वो रेज हो जाएगा और मुझे दिख जाएगा कि किस बच्चे ने अपना हैंड रेज किया हुआ है मैम दोबारा रिपीट करना आपने क्या बोलना है बेटा क्वेश्चन या फिर हैंड रेज मैंने कहा कि जिन बच्चों ने अपना जो आंसर है ना वो पोल सेक्शन में दे दिया है वो अपना हैंड रेज करें हैंड रेज करने के लिए जो है तीन डॉट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे उसके साथ आपको जो है कैसे हाथ का निशान दिख, मतलब दिख रहा होगा सिंबल सा उस पर क्लिक करें तो आपका हैंड रेज हो जाएगा अगर आपने पोल सेक्शन में आंसर दे दिया है तो छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं और छह बच्चों के हैंड भी रेज हैं मतलब अभी तक जो है प्रदीप मोनिका कपिल पायल नितिन इन सभी बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है और एक बन्ना देवी जी के नाम से बच्चे ज्वाइन है उन्होंने भी अपना आंसर दे दिया है बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों ठीक है तो अब यहाँ पर हम जो है दस सेकंड का वेट कर लेते हैं क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो होने ही वाला है तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो दस सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर जरूर दे टेन नाइन एट सेवन फाइव फोर थ्री टू वन चलिए पोला आपका बच्चा है बेटा आपका माइक ऑन है जो वीरेंद्र चौहान जी के नाम से बच्चा अभी अभी ज्वाइन हुआ है बेटा आपका माइक ऑन है अपना माइक आप ऑफ करें ठीक है जो आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है तो अब हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा बेटा जो वीरेंद्र चौहान जी के नाम, नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है आपका माइक माइक ऑन है बेटा अपना ऑफ करें ठीक है अभी क्योंकि क्वेश्चन हम समझने वाले हैं तो मैंने यहीं से जो है सबका माइक ऑफ कर दिया है कोई बच्चा अभी माइक ऑन नहीं कर पाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन को हम फटाफट समझते हैं बच्चों आपका कुछ भी आपने बात हो तो आप जो है सॉरी चैट बॉक्स में आप जरूर लिखें अच्छा हाँ एकता हाँ तो आपने भी जो है आंसर दे दिया है तो यहाँ पर देखिए उन्नीस बटा सात है इक्कीस बटा पांच है क्या करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है है ना और सात गुणा पांच माइनस इक्कीस को सात से गुणा करेंगे और पांच को फिर से सात से गुणा करेंगे तो जब हमने इनको गुणा किया तो उन्नीस पाँच कितना होता है तो उन्नीस को पांच से गुणा कीजिए तो कितना आएगा नौ पंजे पैंतालीस पांच पांच नाइन फाइव इक्यानवे आया और यहाँ पर आया पैंतीस ठीक है और माइनस में कितना आया सात इकम सात सात दो चौदह एक सौ सैतालीस 14, और यहाँ पर आया फिर से पैंतीस क्योंकि जो हमारे हर हैं बच्चों वो बराबर हो चुके हैं तो हम पैंतीस को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम पिचानवे माइनस एक सौ सैतालीस अब हम सभी को पता है कि पिचानवे पिचानवे में से एक सौ सैतालीस तो माइनस हो नहीं सकता तो एक सौ सैतालीस में से जो है वो नाइनटी फाइव को माइनस कर दीजिए सात में से पांच गए तो दो और चौदह में से नौ गए तो पांच मतलब हमारा जो उत्तर आया वो आया बावन बटा पैतीस और इसका चिन्ह होगा वो कौन सा होगा वो होगा माइनस का क्यों होगा माइनस का क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है तो उत्तर में भी माइनस का ही चिन्ह आएगा तो हमारा आंसर है माइनस बावन बटा पैंतीस देखते हैं वो कौन से ऑप्शन में है तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी में जो कि छः में से या फिर छः में से पांच बच्चों ने बिल्कुल ठीक अपना आंसर दिया है एक बच्चे ने जो है वो थोड़ा सा गलत कर दिया था ठीक है तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है तो वाई टाइप कर दीजिए बच्चों कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी क्लास के एंड में जरूर पूछिएगा ठीक है तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके क्लास को लेफ्ट बच्चों कर सकते हैं